बिहार में नदी शराब उगलने लगी है और कुएं राइफल एसएलआर की गोली उगलने लगी है। आप लोगों तो सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन यह सच्चाई है। पूरा मामला जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दरअसल यह पूरा मामला बिहार के गया जिला के आती थाना क्षेत्र का है, जहां एक कुआं में भारी मात्रा में लगभग 1500 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जी हाँ दोस्तों, गया जिला के आती थाना क्षेत्र का दुखी बीघा बधार के 20 फीट कुएं से लगभग 1500 जिंदा कारतूस निकाला गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, गांव के लोगों का भी खौफ हो चुका है। बिहार में क्या हो रहा है, लग रहा है तो कभी कभी नदी से बोरी के बोरी शराब निकाला जाता है, तो कभी कुएं से एसएलआर राइफल का गोलियां निकाली जाती है। गया जिला में देश के कोने कोने से पितरपक्ष मेला में आ रहे हैं, लेकिन जिंदा कारतूस मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच गया के एसएसपी डीएम सक्रिय नजर आ रहे हैं, उन लोगों का भी काफी चिंता बढ़ा हुआ है। यह पूरा मामला बिहार के गया जिला के आती थाना क्षेत्र का दुखी बीघा गांव का है। कुएं से लगभग पुलिस ने 1490 जिंदा कारतूस बरामद किया। सभी आसपास के लोगों सुनकर हैरान हो गए हैं। सभी लोग कहने लगे कि मंगलवार को नदी शराब उगलने लगी, आज बुधवार को कुएं से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस निकाला गया। यह बिहार में पूरे चिंता का विषय बना हुआ है। सभी कारतूस एसएलआर की है, सभी कारतूस कुएं में पड़ी हुई थी। यह ग्रामीणों का नजर तब आई जब कुएं से पानी सूखने लगा। पूरी तरह से कुएं का पानी सूख गया तो ग्रामीणों का नजर जैसे ही गोलियां पर पड़ा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने कुएं के पास पहुंची तो सच साबित हुआ। खास बात यह है कि अभी तक इस मामला में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब कुएं में गोलियां कैसे आई, इसका जांच में गया पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि बरामद एसएलआर की गोलियां 2004, 2006, 2008 की है, पर कुएं में कब से पड़ी थी इसकी जानकारी अभी भी नहीं मिल पाया। मामला कोच प्रखंड की आती थाना क्षेत्र का है। नक्सली आंदोलन की हो सकती है गोलियां। इधर सूत्रों का कहना है कि बरामद गोलियां किसी तस्कर को या उसे दौरे से हो सकता है, जब नक्सली मामला चरम सीमा पर था। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि इस मामला के वरीय पदाधिकारी तक चल गया है, बहुत जल्द मामला की जांच की जाएगी। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फेसबुक पेज को अभी फॉलो।